नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो मैटर है इसको अगर सीधा सीधा कहूं कि अगर आपने से लगाया तो ये तय है कि ये केस लगाते ही आपकी पत्नी सरेंडर मोड पे आएगी। आपसे जिस लालच में केस लगाए गए वो है पैसा। उसकी डिमांड उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। आप इसके अंदर केस में डोमिनेटिंग रहेंगे। जो लोग अच्छे सबूतों के साथ हैं, मजबूती के साथ केस लड़ रहे हैं, और अगर उनके पास एविडेंस दिखाने के लिए बहुत कुछ है तो जेल जाने के पूरे चांसेस हैं। और ये मैं आपको तब बता रहा हूं जब आजकल इस तरह के केसेस में बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं जहां पतियों ने इस तरह की कार्रवाइयां की हैं और अपनी पत्नियों को जेल भेजा है या भारी भरकम हर्जाना वसूला है लाखों में। यानी कि झूठे केस लगाने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जिंदगी जो है ना वो तकलीफ में आ जाती है। और जब पत्नी अपने पति पर झूठा केस लगाती है तो जी हाँ, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस का शिकार हो जाती है झूठा केस लगाने की। इस वीडियो में आज मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग एजुकेटेड हों, अपने केसेस के बारे में प्रॉपरली समझें कि केस है क्या, किस तरह से किया जा सकता है और उससे क्या फायदा लिया जा सकता है। इसी के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। इनमें क्रैश कोर्स है, जो आप चाहें तो अपनी खुद की तैयारी करने के लिए उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर आपको असिस्ट करें और फिर आपके केसेस के अंदर बेहतरीन रिजल्ट आने में आपकी मदद करें। कैसे? आप वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, पर क्योंकि ये आपका कोर फील्ड नहीं है, आप किसी और प्रोफेशन से हैं, तो यहाँ एक लिमिटेशन सेट होती है कि आप उतना टाइम नहीं दे सकते जितना हमारी और हमारी टीम रिसर्च में और डेवलपमेंट में और इस तरह से आप लोगों को रिलीफ दिलाने के एक मिशन पे काम कर रही है। तो आपको सीधा एक रास्ता साफ मिलता है और उस पर आप आसानी से अपने केस को सॉल्व कर पाते हैं। यहां पर अगर कोई आदमी अपने केस को खुद भी लड़ना चाहता है तो ये कोर्सेज बहुत बेहतरीन है। वकीलों के थ्रू केस लड़ रहे हैं, आपके वकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़कर आप अपने केस को बेहतरीन रिजल्ट दिला सकते हैं। हर व्यक्ति योग्य होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि उसके पास ये नॉलेज हो। हमारे पास जितने भी लोगों ने ये कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट स्ट्रांग है और अपने केसेस के अंदर बेहतरीन कर रहे हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पॉजिटिव रहेगा। अगर आप अपना केस लड़ेंगे तो आपसे बेहतरीन व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और अपने केसेस को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे डिटेल लीजिए और आसानी से अपना केस निकलवाइए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और उसके बाद मुझसे बात कीजिए। आपका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी अपॉइंटमेंट लेने के बाद। आज का मुद्दा यह है कि पत्नी से या तो मोटा हर्जाना वसूला जाए या फिर बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी की गई गलत कारगुजारियों को जेल भेजा जाए। महिलाएं सब अच्छी होती हैं, सम्मानीय होती हैं, अपने आप को लेकर अपने चरित्र को लेकर महान होती हैं, मगर जो इंसान चाहे वो पति हो और चाहे वो पत्नी हो, अगर वो झूठी कार्रवाइयां कर रहा है, गलत अपने स्पाउस के साथ धोखा कर रहा है, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई जेंडर की बात नहीं हो रही है, इंसान खराब होता है। अब आते हैं हम आपके आज के मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिस पर अक्सर लोग 498 DV और 125 के अलावा सोचते नहीं, जबकि अगर इस पे सोचा जाए तो आप पे झूठे 498 DV में भी इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो केस खत्म होंगे, क्योंकि आपके पास साबित करने को बहुत कुछ है, पर वो आपका पिच नहीं है, वो आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो सजाया गया है वहां पर किसी और के थ्रू। वहां पर अगर गलत चीजें, गलत प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो इसके अंदर फेलियर आपका नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम भी इसके अंदर अपना फेलियर इन्वॉल्व कर रहा है। सबसे पहली चीज देखिए, आपकी पत्नी वहां पैसे के लिए आई है, तो अब उसको आप अगर पैसे की डिमांड के अंदर फंसाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपके पास एविडेंसेस होते हैं, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो केसेस आपकी बीवी लगा रही है उन केसेस के अंदर ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि वो काफी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती है, बहुत सारी गलतियां कर रही होती है। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि रजनीश वर्सेज नेहा का एफिडेविट गलत लगाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लगता है वहां पर। इसके अलावा 340 CRPC की कार्रवाई भी होती है। पर इसके अलावा अगर आप कुछ और लगा सकते हैं तो वो ये है कि आपको जैसे इम्पोर्टेंस का एक प्रॉब्लम बता दिया, या आपको कैरेक्टरलेस बता दिया, या आपके पिताजी या भाई के ऊपर 354 376 लगा दी। अगर इस तरह का कोई भी कार्रवाई हुई है तो एक गलतफहमी दूर कर दीजिएगा। केस किसी भी स्टेज पे हो, मैं कह रहा हूं FIR के स्टेज पे भी हो, आप आसानी से उस पर सिविल डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। और सिविल डिफेमेशन में हर्जाने के रूप में, क्योंकि आपके मान की हानि,
अब क्योंकि आपके मान की हानि हुई है, इसलिए आप ही तय करेंगे कि आपके मान की हानि की कीमत क्या है, आपके सम्मान की कीमत क्या है। ये राइट मान हानि के केस में सिर्फ पार्टी को होता है जिसकी मान हानि हुई है। इसमें आपको मैं तलाक का भी एक ऑप्शन बताऊंगा, जो कि आपको दोनों स्थितियां समझ में आ जाएंगी, तब तलाक की बात भी कर लेंगे, और आसानी से हो जाता है ऐसी सूरत में तलाक। अब क्योंकि पैसा उगाने वाली है, पैसा छीनने आपसे आई है, और वो भी झूठे केस लगा के, तो वो आपको पैसा देगी नहीं, लेगी, मगर जब देने की बारी आएगी तो घुटनों पे आएगी, देना भी पड़ेगा। अगर कोई जुझारू आदमी होगा तो लेगा, जरूर लेगा। और अगर यहां से चीजें साबित होती हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्रूअल्टी के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये केसेस काउंटर केस के फॉर्म में होते हैं, और ये मैं दोबारा दोहरा देता हूं, ये बेकार की लिमिटेशंस होती हैं, कि कहा जाता है कि साहब अगर आपने 25 लाख रुपए मांग लिए तो उसका 10% जमा कराना पड़ेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट की जनरल फीस होती है मानहानि की, जो 10-20 हजार रुपए होती है, और बकायदा आप उसको कोर्ट रूल्स के उसमें फॉर्मेट पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हर स्टेट में लगभग एक जैसा होता है, कुछ स्टेट्स में वैरी कर सकता है, इसलिए कोर्ट रूल्स निकलवा के आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको लगता है कि आपकी पत्नी ने, आपके घर, उसके घर, ससुराल वालों ने आपको, आपके घर वालों को धमकी दी थी जान से मारने की, या कि झूठे केस लगाने की, केस स्टार्ट होने से पहले, बीच में भी कई बार ऐसा डिस्कशन दोनों पार्टीज के बीच में हो जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, मतलब आप अपने केस को जज कीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको क्रिमिनल एक्टिविटी मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस आपको जरूर लगाना चाहिए, और मिलेगा, 100% मिलेगा। आप जरूर चेक कीजिए, अपनी ड्राफ्टिंग को आज जाके पढ़िए। देखिए, ये बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि आप पे सामने वाली पार्टी ने 5,000 रुपये मेंटेनेंस का एक केस लगा दिया था, उसी में आप कितने बौखला गए थे। तो आप ये समझिए कि अगर आप एक प्राइम फेसी वैल्यू पे सच्चा केस लगाएंगे, क्योंकि आप वो सामने से फेस कर रहे हो, झूठा केस है, मगर जो सामने से जानता है कि हमने अपराध किया है, उसी अपराध पे आधारित केस हम पे लगा है, तो ये फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों केसेस प्राइम फेसी वैल्यू पे लगते हैं, यानी कि इन्हें साबित नहीं करना होता, ये दिख रहे होते हैं कि हुआ है, तो यानी कि सीधा मानते हुए ही केस दर्ज होते हैं। इनके अंदर ये सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो आप अपने एरिया से लगा सकते हैं, आपको वहां जाके नहीं लड़ना पड़ेगा। अब इसमें मजेदार चीज एक और है, इसमें एक चक्रव्यूह भी बना सकते हैं। आपके मामा जी को फंसाया, आपकी शादीशुदा बहन को फंसाया, या आपके एक दूर की चाचा चाची को फंसाया। अब ये सब लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, अगर ये लोग सब अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो मजेदार बात यह है कि वहां चारों तरफ से जब केस लगेंगे, इन सब से भी केस लगवाइए इसी तरह का, अगर उन सबका भी इसमें गलत नाम इन्वॉल्व है, इवन नाम रखवाना आपके अलावा बाकी रिश्तेदारों को, वो भी डिफेमेशन का केस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, अगर कोई सबूत नहीं दिया है तो। किसी भी स्टेज पे FIR केस की स्टेज पे बीच में चलते हुए कभी भी डाल सकते हैं। वो जब वहां डालेंगे, इतने लोगों की तरफ से 10-20 लाख रुपए के केस लगेंगे, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगेगा, यानी आपराधिक षड्यंत्र का केस लगेगा, लड़की बौखला जाएगी, कितनी डेट्स पे और कहां का जाएगी। एक तो ईगो बहुत बड़ा होता है, केस सोचती है कि हाँ ठीक है, मैंने तो केस लगा दिया, अब मेरा पति और उसके घर वाले हैरेस होंगे, मुझे तो अपने शहर में टहलते टहलते केस लड़ना है। पर जब खुद को ट्रेवल करके, चार्जेस लगा के, वकील अलग अलग जगहों पे करके लड़ना पड़ेगा, सरेंडर हो जाएगी, कहीं आगे बढ़ने की नहीं सोचेगी। केस के अंदर एक बार नोटिस जाते ही थरथरा जाएंगे। अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं उसके पार्टी, जो आपकी सामने वाली पार्टीज हैं, यानी कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, आपकी साली, या फिर दूर तक उनके जीजा जी या कोई रिश्तेदार, वो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, पर आपके पास कहीं ना कहीं एविडेंस क्रिएट हो गया, तो उन पर भी केस लगाइए, तब ये लोग दबाव में आते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये प्राइम फेसी वैल्यू पे केस होते हैं, वहां पर आकर एविडेंस देकर ही वो बच सकती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये जो मैंने बातें और बयान FIR या फिर केस के दरमियान कही हैं, ये सब सच है, तो वो एडवांटेज तो तभी ले पाएगी ना, अदरवाइज कहां से ले लेगी एडवांटेज। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि वो एडवांटेज उसको नहीं मिल पाएगा, और इस वजह से ये काउंटर केसेस एक तरीके से आपके सभी केसेस को खत्म करने में मदद देते हैं। वहां एविडेंस नहीं मिलने की स्थिति में आप जल्दी से जल्दी, देखिए पहली बात तो आएगी नहीं, तो एक्सपार्टी हो गया, एक्सपार्टी होना भी एविडेंस नहीं होना ही माना जाता है, और अगर वो वहां आ गई तो शुरुआत से एविडेंस की डिमांड कीजिए कि एविडेंस दे, अदरवाइज माने कि अपराध हुआ था। ऑब्वियस है कि इनका रिजल्ट जल्दी आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइमरी फेसी वैल्यू पे लगे हुए केसेस हमेशा 6-7-8 महीने ही चलते हैं, इससे लंबे चलाए नहीं जा सकते, और आपकी थोड़ी अवेयरनेस भी रखिए कि दबाव बना के रखिए कोर्ट के अंदर कि आपके केसेस को जल्दी जल्दी रिजल्ट पे लाया जाए, अगर एविडेंस नहीं है। एविडेंस के लिए ज्यादा डेट्स मत डलवाइए, एक पक्षीय कार्रवाई पर फोकस कीजिए। वहां पर एविडेंस नहीं दिए तो आप 490DB में जाकर दिखा सकते हैं कि देखिए क्रूअल्टी है मेरे ऊपर, और इन्होंने जानबूझ के छोटे केसेस मुझ पे किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे लगता है बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जरूर बताइएगा कि वीडियो